प्रिय विद्यार्थियों, आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेंथेनाइटिस के बारे में। लेंथेनाइट्स आवर्त सारणी में वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F कक्षकों में भरा जाता है, वे तत्व F ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आवर्त सारणी के वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F कक्षकों में भरा जाता है, वे F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में इन तत्वों की दो सीरीज है, सीरीज फर्स्ट और सीरीज सेकंड। प्रथम सीरीज जो है उसको हम लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं या 4F सीरीज भी कहते हैं, जबकि सेकंड जो सीरीज है उसको हम एक्टिनाइड श्रेणी या 5F श्रेणी भी कहते हैं। संक्रमण तत्वों में बाहरतम दो कोश अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, लेकिन F ब्लॉक तत्वों के अंदर बाहरी तीन कोश अपूर्ण भरे होते हैं। इट्स मीन N-2, N-1 एंड NS, ये तीन कोश अपूर्ण भरे होते हैं। एक बात और, F ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि F ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्वों के बीच पाए जाते हैं, इसलिए हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आप सभी जानते हो F कोश में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। इट्स मीन प्रत्येक श्रेणी में 14 एलिमेंट होंगे, अर्थात कुल 28 एलिमेंट F ब्लॉक में होंगे। हम बात करें पहले लेंथेनाइड श्रेणी में। लेंथेनाइड सीरीज जो है परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से प्रारंभ होकर परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटीशियम तक चलती है। लेंथेनाइड श्रेणी जो है परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, 58 परमाणु क्रमांक सीरियम का है और 71 परमाणु क्रमांक ल्यूटीशियम का है। इसी प्रकार दूसरी सीरीज जो है वो एक्टिनाइड की है। वह सीरीज थोरियम परमाणु क्रमांक 90 से परमाणु क्रमांक 103 लॉरेंशियम तक चलती है। F ब्लॉक तत्व जिसमें लेंथेनाइड सीरीज है, इसके सदस्यों को लेंथेनॉइड, लेंथेनॉन या रेयर अर्थ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रारंभ में ये तत्व ऐसे ऑक्साइडों से निष्कर्षित किए जाते थे जिन्हें हम उस समय मृदा कहते थे, तथा ये ऑक्साइड सरलता से नहीं पाए जाते थे, अतः ये दुर्लभ मृदा कहलाए। इनमें से कुछ
वर्तमान में दुर्लभ नहीं है, आप सभी जानते हो, बल्कि बहुतायत से पाए जाते हैं। लेंथेनाइडों को सामूहिक रूप से लेंथेनॉन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एप्लॉग तत्वों को वर्ग 3 व 4 के मध्य में दो अंतः संक्रमण श्रेणी के रूप में स्थित होना चाहिए। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि एफ ब्लॉक के लिए एक कॉलम दिया गया है, वो कॉलम जो वर्ग है वो 3 व 4 के मध्य है, इसलिए इसको हम अंतः संक्रमण भी कहते हैं। यदि इस प्रकार 14-14 तत्वों की दो श्रेणियां व्यवस्थित कर दी जाए तो सारणी विकृत हो जाएगी। इसके अलावा वर्ग में गुणों की असमानता भी नहीं रहेगी, अतः एफ ब्लॉक की दोनों श्रेणियां सारणी से नीचे अलग अलग की गई है। उसके बाद बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे सवाल लेंथेनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत ही सिंपल है। यदि हम देखें n-2f0-14, n-1d0-1 एंड ns-1-2। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि लेंथेनाइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हम बात करेंगे लेंथेनाइड की। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथेनाइडों की। इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में भरे जाते हैं और साथ में 5d1 व 6s2 विन्यास भी होता है, जैसा कि हमने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा। जैसा कि इलेक्ट्रॉन से वो 4f कक्षकों में भरे जाते हैं, ये 4, ये 5 एंड ये 6। ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि 5d व 4f कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, जिससे स्थायित्व के आधार पर 5d इलेक्ट्रॉन 4f एवं 5d कक्षकों के मध्य संक्रमित हो सकता है। लेंथेनाइडों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी यहाँ एक से शब्द है, ठीक है, जिनॉन, क्योंकि इससे पहले 54 पे जिनॉन है, जिनॉन 4f1-14, 5d0-1 एंड 6s2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। परमाणु क्रमांक 57 जो लेंथेनम है, उसके अनेक गुण लेंथेनाइडों से समानता रखते हैं, अतः कुछ वैज्ञानिक लेंथेनम को लेंथेनाइडों में सम्मिलित कर लेते हैं। लेंथेनम व अन्य लेंथेनाइडों के विन्यास हम देखते हैं। जैसे लेंथेनम, एटॉमिक नंबर इसका 57 है। अगर हम आउटर मोस्ट सेल या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, 4f0, 5d1, 6s1, ये लेंथेनाइड का लेंथेनम का विन्यास है। अगर ओवरऑल विन्यास लिखे तो उससे पहले जिनोन का कंप्लीट विन्यास लिखना है, जो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f0, 5s2, 5p6, 5d1 और 6s2 है। लेंथेनम के बाद नाभिक के आवेश में इकाई वृद्धि होती है, आप सभी जानते हो। 4f कक्षों की ऊर्जा तेजी से कम होती जाती है। जैसे जैसे प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा, वैसे वैसे 4f कक्षकों की ऊर्जा तेजी से कम होती जाती है, जिससे ये 5d कक्षकों की अपेक्षा कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं। अतः d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का जो क्रम लेंथेनम पर प्रारंभ हुआ, वह सीरियम पर ही खत्म हो जाता है। इस प्रकार सीरियम का विन्यास, अगर हम देखें सीरियम का आउटर मोस्ट सेल विन्यास देखें, f2-6s2 हो जाता है। इस प्रकार 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ना श्रेणी के अंत तक चलता है। 5d कक्षक अधिकांश तत्वों में पूर्णतः खाली होते हैं, कुछ ही तत्वों में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जो लेंथेनाइडों के स्टेबिलिटी के कारण होता है। 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन नियमित रूप से नहीं बढ़ते,
मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है गैडोलिनियम। अगर हम गैडोलिनियम 64 की बात करें तो उसका विन्यास अगर हम देखें 4F7, 5T1 और 6S2। क्यों? सॉरी 4F7 है। F कक्षक यहां अर्धपूर्ण भरे हुए हैं जो कि उसकी स्टेबिलिटी को शो करते हैं, इसलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है। इंपॉर्टेंट विन्यास है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। अगर हम देखें इसका विन्यास, वास्तविक विन्यास ऐसा होना चाहिए था, लेकिन स्टेबिलिटी के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन डी में कन्वर्ट चला जाता है। लेकिन त्रिधनात्मक आयनों में 4F कक्षक नियमित रूप से भरे जाते हैं। 6S कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन के निकलने के पश्चात प्रभावी नाभिक आवेश और बढ़ जाता है, क्योंकि बाहरी सेल खत्म हो गई है तो प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ जाएगा। प्रभावी नाभिक आवेश आप सभी जानते हो क्या होता है। प्रभावी नाभिक आवेश आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला नाभिक द्वारा आकर्षण बल है। जब बाहरी कोश हट जाती है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक सेल कम हो जाती है, जिसके कारण इसका मान बढ़ जाता है। 6s कक्षों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात प्रभावी नाभिक आवेश और बढ़ जाता है, अतः 4f कक्षक और अधिक सिकुड़ जाते हैं। ऐसी अवस्था में गैडोलिनियम +3 4f7 के बाद आने वाले इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा वाले 5d कक्षक में न जाकर 4f कक्षक में प्रवेश करता है, अतः लेंथेनाइडों के त्रिधनात्मक आयन का विन्यास निम्न होगा। हम देखते हैं लेंथेनम, सीरियम, प्रेसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और त्रिधनात्मक आयन की बात करें तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये लेंथेनॉन 3+ में, तो आप देखोगे ज़ीनॉन 4F0, 5D1, 6S2 ज़ीनॉन सब में कॉमन है। यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 4F2, 5D0, 6S2 मोस्टली 6X2 सब में भरा हुआ है, और जहां पे भी D में एक इलेक्ट्रॉन है लेंथेनम को छोड़ दें या सीरियम को छोड़ दें तो मोस्टली डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबिलिटी के कारण ही है, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण। 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 4F7, 4F7, 4F9। डी की बात करें 5D0, 6S2, ये 6S2 तो सब में कॉमन है। फाइव डी जीरो और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आप देखोगे डायरेक्ट आप एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए चले प्लस थ्री धनात्मक आयनों के अंदर, तो F0 से लेकर 14 तक पूरे कंप्लीट 15 तत्वों के अंदर आ जाएंगे। अब लेंथेनाइड तत्व याद करने का भी तरीका आना चाहिए। कई बार क्या होता है हमें याद नहीं होता है, तो याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो ध्यान होनी चाहिए। लेकर, सर, पर, नो, पे, से, यूरोप, गया, तब, दिन, हुआ और तुम्हारी, याद आई की जगह लाई ध्यान रखना है। लेकर, सर, पर, नो, पे, से, यूरोप, गया, तब, दिन, हुआ और तुम्हारी याद लाई। इस आधार पर आप लेंथेनाइड के 15 एलिमेंट्स को याद कर सकते हो, साथ में लेंथेनम को लेकर। उसके बाद
हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन सीरीज की, ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।